उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जैन समाज द्वारा श्री जी भगवान की भव्य शोभा यात्रा नगर में ससंग मौजूद जैन दिगंबर जैन मुनियों के मंगल सानिध्य में निकाली गई। शोभा यात्रा में जैन समाज के सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान सभी मंदिरों से श्री जी को विमानों पर विराजमान किया गया था। बच्चे धर्म पताकाएं लेकर आगे आगे चल रहे थे तो युवक और युवतियाँ भी विमान में यात्रा की मैं अहम भूमिका अदा करते हुए जियो और जीना दो के नारे लगाते हुए चल रहे थे। घोड़े हाथी तथा बग्घियों पर इंद्र इंद्राणी विराजमान होकर चल रहे थे। इस शोभा यात्रा में सबसे आकर्षण का केंद्र वह था जो रथ जो चांदी से निर्मित किया गया था। चांदी के इस रथ के बारे में हमारे संवाददाता नासिर मीडिया को बताया गया कि जैन समाज द्वारा दिए गए आर्थिक सहयोग से इस रथ का निर्माण किया गया है। आइए देखते हैं नवोदय प्लस टाइम्स पर ललितपुर से नासिर मीडिया का ये विशेष कवरेज। जैन समाज ललितपुर की प्रति वर्षानुसार ये परंपरा है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ पर श्री जी का विहार शोभा यात्रा मंदिर से भगवान को लेकर के सभी मंदिरों से भगवान आते हैं और हम छेदपाल जी मंदिर ले जाते हैं। इस बार जैन समाज ने विशेष प्रयास करके और पूरे सबके पूरी जैन समाज के सहयोग से शुद्ध चांदी का रथ हमने बनवाया है जो श्री जी के विहार में शामिल होगा और उस पर श्री जी लेकर के बैठेंगे और 6 लोग उस पर और बैठ सकते हैं। शुद्ध चांदी का रथ एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हमारे आराध्य देव शुद्ध चांदी के रथ में विहार करें ऐसी हम सबकी भावना है। पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज ससंग यहाँ पर विराजमान है और पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्या सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से उनके शिष्य पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी प्रभात सागर जी पूज्य सागर जी महाराज द्वारा ये रथ की उनकी प्रेरणा से ये रथ हम सब ने बनवाया है और ये पूरी जैन समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री जी के विहार में शामिल होती है, उनकी विनय करती है। घर घर दीप जलाए जाते हैं, घर घर रंगोली बनाई जाती है श्री जी की आरती और पूजा। कहाँ समाप्त होगी? सभी मंदिरों से विमान जी निकलेंगे, उन विमान जी में श्री जी भगवान जी हमारे विराजमान होंगे, अटा मंदिर जी में एकत्र होंगे। अटा मंदिर जी से हम लोग छेदपाल जी मंदिर पहुँचेंगे, रात्रि में वहाँ आरती होगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उसके पश्चात दूसरे दिन सुबह 8 बजे श्री जी भगवान जी हमारे यथा स्थान बिहार करके पहुंचेंगे। ये चांदी का रथ बना है यूपी में पहले है? हाँ, यूपी में उत्तर प्रदेश में प्रथम हमारा जैन समाज द्वारा ये चांदी का रथ बनवाया गया है और हम लोगों का यहाँ पर भी ऐतिहासिक मंदिर भी शुद्ध पाषाण का, कोई लोहे सीमेंट कोई लोहे का उपयोग हमने उसमें नहीं किया है, शुद्ध पत्थर से भी ऐसा मंदिर हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं जो प्राचीन काल में बनते थे, आज भी हजारों वर्षों तक वो मंदिर हम सबके आबाद रहते हैं आबाद रहेंगे। इस विनय पे मंदिर भी बनाया जा रहा है, ये रथ भी युगों युगों तक चलेगा। जैन समाज की श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? आसपास के सभी श्रद्धालु आते हैं। इसमें जो वार्षिक विमानोत्सव है, जिले के पूरे आसपास के समाज के लोग इस विमान जी में शामिल। जब भी जैन समाज की जो रैली निकल रही है इसमें मुख्य आकर्षक का केंद्र जैसे वो अभी रथ आया है चांदी का, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दो, किस प्रकार से ये त्यौहार मनाया जा रहा है? ये प्रत्येक वर्ष दिगंबर जैन समाज द्वारा कार्तिक पूर्णिमा जी के शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम मनाया जाता है। इसमें सभी निकल के वो एक साथ विमान से यात्रा करते हुए छेदपाल मंदिर की ओर जाते हैं जहाँ पर श्री जी का अभिषेक होता है और रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन पुनः अपने अपने मंदिरों को प्रस्थान कर जाते हैं। इस बार का विशेष आकर्षण जो एक चांदी का जो रथ बनाया है ये दिगंबर जैन पंचायत समिति द्वारा कलेक्शन करके सभी से चंदा करके और एक नैना विराम जो दृश्य बन रहा है उसके लिए हम सब अभिभूत हैं और सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि सभी समाजों के लोग हमारे इस कार्यक्रम में आते हैं और सहभागिता जताते हैं। पूरी यूपी में पहली बार बनाया है चांदी का इतना बड़ा? अब यूपी में पहली बार है जी, यूपी में बुंदेलखंड में ये सबसे पहली।